प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। बता दें कि कार्यक्रम में कला उत्सव प्रतियोगिता के करीब 80 विजेता और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक शामिल रहे। वहीं देश भर के छात्र, शिक्षक और अभिभावक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों को सफलता का मंत्र देने के साथ अभिभावकों को भी कुछ जरूरी सलाह देते और शिक्षकों की क्लास लगाते नजर आए। साथ ही उन्होंने छात्रों को माँ से टाइम मैनेजमेंट सीखने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के विद्यार्थी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ। आपने कभी घर में अपनी माँ के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो माँ ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो माँ ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है, और जबकि काम सबसे ज्यादा। मेरा नाम सरोजनी सोना है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा पे भाग लेने के लिए। पहले मैं अपनी परीक्षा को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन अभी मुझे परीक्षा एक उत्सव की तरह लगने लग गया है और मुझे यकीन है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझाव पर मैं अमल करके अपनी परीक्षा को टेंशन फ्री होकर दूंगी। सो थैंक यू। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कैंपस कैंपस हंगामा देखने को मिल रहा है। लड़ाई लेफ्ट बनाम एबीवीपी की नजर आ रही है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर गुरुवार शाम को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने 400 से ज्यादा छात्रों को विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई, तो वहीं RSS की स्टूडेंट्स विंग और ABVP कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग की। लेफ्ट छात्र संगठनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की है, जिसे रोकने के लिए DU प्रशासन ने पुलिस से मदद मांगी है। वहीं JNU और जामिया में भी BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद देखने को मिला था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 133वें दिन कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। रामबन जिले के बनिहाल पहुंचने के बाद कांग्रेस का कहना है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। वहीं राहुल गांधी यात्रा छोड़कर खन्नाबल अनंतनाग को रवाना हो गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रशासन भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा और सुरक्षा में चूक UT प्रशासन के अनुचित रवैये को दर्शाती है। रामबन जिले में बनिहाल से शुक्रवार को राहुल गांधी की पदयात्रा 9 बजे शुरू हुई थी। यात्रा का पड़ाव आज अनंतनाग था। मोरबी पुल हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें पुल का संचालन करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप के MD जयसुख पटेल को भी आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद जयसुख पटेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बता दें कि जयसुख पटेल ने 20 जनवरी को मोरबी सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत याचिका की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन पुल टूट गया था, जिसके कारण 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में ओरेवा ग्रुप के 4 कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 मैनेजर और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को करियर की आखिरी ग्रैंड स्लैम के मिक्स डबल्स में हार झेलनी पड़ी। सानिया और बोपन्ना की जोड़ी को ब्राजील के राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने 7-6, 6-2 से हराया। इस हार के बाद सानिया इमोशनल नजर आई और स्पीच के दौरान उनकी आंखें भी नम हो गई। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है।
मैदानी इलाकों में घना कोहरा और पाला लोगों को परेशान कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 29 और 30 जनवरी को भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में रविवार और सोमवार को बारिश की संभावना जताई है।